बाद मौका ही ऐसा है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बड़ा टीवी दिखाइए। जितने भी क्रिकेट लवर है, क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट के रसिया है, 24 अक्टूबर के नाम से उनकी दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लग जाती है। ए गट्टू, इस बार बाबर रिजवान दुबई से ऐसे छक्के मारेंगे दिल्ली के शीशे टूटेंगे। उनके सीने से दिल निकल के बाहर आ जाता है क्योंकि सब इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि कौन जीतेगा कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मौका छीन के लेंगे। ए गट्टू, दो दो टीवी। इंडिया वाले इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आप हमसे पांचों बार हारे हैं, अब पटाखे तो फूटने से रहे, अब कुछ तो फोड़ोगे। बाय वन ब्रेक वन। भारत के लोगों को तो अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है कि वो आराम से मैच को निकाल लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और इनका ओवर कॉन्फिडेंस देखने को बनता है क्योंकि बाद में टीवी भी यही फोड़ेंगे। पाकिस्तान में जो जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट माने जाते हैं आपका भाई, उन सबको एक साथ पकड़ के लाया आपके लिए। आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक दो दिन तक। बात सुन, अपने यारों दोस्तों को बताना मत भूलना इस बारे में। मैं तो ना अभी से मैं तो रोजे भी मान लूंगी, मैं तो मुसल्ले बैठ जाऊंगी और मैंने 100 रुपए की शर्त लगाई पाकिस्तान जीतेगा। शर्त लगा लें और आप अपने नेल्स मजीद बड़े कर लें ताकि नेल बाइटिंग जो कॉन्टेस्ट होगा वो हम देखने को मिल सके। वो कह रहे हैं कानों में जू नहीं रह गई, बाबर आजम कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्ट्राइक भले गिरा हुआ मैं ओपन करूंगा। अरे भाड़ में जाओ, लोग जब इतने सीनियर लोग तुम्हें कह रहे हैं तो तुम उठाकर इस बात को यूं जाहिर कर रहे हो, यानी कि उनके उनकी कही भी बात पे थू थू कर रहे हो। माजद के साथ हमारी टीम इफ एंड बट्स पे चल रही है। अगर फखर चल गया, अगर शुएब मलिक ने नीचे रन गए, अगर ये हो गया, अगर मगर पे टीम चल रही है हमारी माजरत के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे पाकिस्तान पहला मैच जीते, ठीक है आगे जाकर न्यूजीलैंड को भी हराए ठीक ठाक। भारत से नहीं हारना भले जो मर्जी हो, लेकिन आपको पता शायद आशमी साहब ने कहा था कि हो सकता है पहले मैचेस में पाकिस्तान हारे लेकिन आगे जाके भारत करेगा। भारत से नहीं। मैथ्यू एडम कहां पर है? मैथ्यू एडम को अभी तक टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, वो कमेंट्री कर रहे हैं दुबई में। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आप वीडियो देखिए, आपका भाई मिलेगा वीडियो के आखिर में। मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 24 अक्टूबर शाम 7:30 बजे सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जो हमारा पहला मैच होने जा रहा है वो होगा रिवायती हरीफ भारत से। बिल्कुल। और इस दफा तो दोनों टाकरे मजे के होंगे। न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से पाकिस्तान आके आधा घंटा पहले जिस तरह से उन्होंने हमें पीठ दिखाई, तो उसकी वजह से मतलब मैं थोड़ा सा और ज्यादा वो कर रहा हूँ, सस्पेंस वो क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसे और गुस्से में। और इसके साथ न्यूजीलैंड के साथ भी जो हमारा मैच होगा ना, तो उसके ऊपर भी बड़ा जो है वो एक साइकोलॉजिकल उसका प्रेशर होगा। और देखिए ये टीम को अभी से पता होना चाहिए कि देखिए साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपने नहीं किया, क्योंकि नफ्सियाती प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा होगा कीवीज के ऊपर तो होगा, लेकिन जो पहला मैच है वो इंडिया से। और हमने अक्सर देखा कि समहाउ कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं नफ्सियाती दबाव में आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया। मैं तो ये कहता हूं उन्हें जाएं कीवीज के सामने, उनको जाके घूरते रहे यूं करके, उनको लगे कि हमारा कुछ, हमारी 27 लाख की बिरयानी खा ली और उसके बाद बेशर्मो चले गए। खैर, लेकिन बात यह है कि जो तैयारियां हम देख रहे हैं कि लाहौर कजाफी स्टेडियम में जोरों शोर से जारी है, और जैसे आपको पता है कि स्क्वाड को रवाना है इंशाल्लाह 15 अक्टूबर को, तो हेड कोच सकलेन मुश्ताक और बॉलिंग कंसल्टेंट जो है उनकी जेर निगरानी खिलाड़ियों ने की है ठीक ठाक जमकर प्रैक्टिस। और कौमी टीम जो अपना पहला मैच है ये इंशाल्लाह होगा 24 अक्टूबर, बता भी रहते सती साहब कि वो होगा इंडिया के खिलाफ। सो मैं तो ना अभी से मैं तो रोजे भी मान लूंगी, मैं तो मुसल्ले बैठ जाऊंगी और मैंने 100 रुपए की शर्त लगाई पाकिस्तान जीतेगा। शर्त लगा लें और आप अपने नेल्स मजीद बड़े कर लें ताकि नेल बाइटिंग जो कॉन्टेस्ट होगा वो हम देखने को मिल सके। मुकाबला अच्छा होना चाहिए, भले पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। मैं देख भी रही हूं ना पाकिस्तान हार रहा है, तो मैं फिर भी यही शर्त लगाती हूं कि पाकिस्तान जीतेगा। जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। मैं पॉजिटिव रहती हूं। 100 रुपए दिल टूटे तो क्या क्या हो सकता है। अच्छे, साथ में जावेद मियादाद साहब ने उन्होंने कहा है टीम से कि आपने घबराना नहीं है, और साथ में कहा है कि हर खिलाड़ी ये सोचे कि मैं पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगा, अच्छा खेल कर हारेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या कौन है आपको सुनवाते हैं? प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी है, अगर हम एक दो के ऊपर जाएंगे तो वो तो गलत चीज है। क्रिकेट में हार जीत तो होगी, आप अच्छा खेले,
अच्छा खेल के भी हार जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी ये सोचे कि मैंने पाकिस्तान को जिताना है। क्रिकेट अच्छी खेलोगे इतना पैसा आएगा, आप सोच नहीं सकते। क्रिटिसिज्म से घबराए नहीं, आपने घबराना नहीं है, वो इसलिए कि आप सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि आप अच्छे हैं जी। तो जावेद मियां दास साहब ने तो कह दिया इमरान खान साहब के अंदाज में कि घबराना नहीं है। जावेद भाई ने ठीक कहा कि हार जीत की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बट इंडिया के खिलाफ हमें हार जीत की बहुत फिक्र होती है। जी बिल्कुल, फाइट करके जरूर होना चाहिए मैच, और ऑनेस्टली कि उनका उनकी टीम बेटर अच्छी है उनकी टीम, और काफी टाइम से खेल भी रहे हैं साथ सारा कुछ, बट जब से हमारी ये टीम अनाउंस हुई है मेरे ख्याल उनको सबको फिक्रें पड़ गई हैं। तौसीफ साहब, हमने ये भी देखा है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ मसला ये है कि जो हमारे बहुत ही मंझे हुए भी जितने क्रिकेटर्स भी थे, समहाउ जब वो मैदान में उतरते हैं और सामने मध्य मुकाबल भारत भी हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी नफसियाती दबाव का शिकार बन जाते हैं। तो इस हवाले से आप खिलाड़ियों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, चाहे उनकी ट्रेनिंग कमाल हो, समहाउ हम कहीं किसी ना किसी नफसियाती प्रेशर में आ जाते हैं वो? देखिए हमारे टाइम में तो ये नहीं होता था, आपके टाइम में नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली तो हम देख रहे हैं ना जिस टाइम में जिन हिसाब से अभी आप बात कर रहे थे वो अकेले ही काफी होते थे उनके लिए। जी जी, जो मैच का प्रेशर होता है वो मैच का प्रेशर होता है उस मैच का, और हमारा तो मैच भी इंडिया से है। आई एम श्योर एक चीज ये है कि वो यकीनी तौर पे उन्होंने इतना होमवर्क दुनिया की टीमें करती हैं, तो हमारे प्लेयर्स के ऊपर भी हमारा उतना होमवर्क हर इंडिविजुअल पे है, टेक्निकली उनके फ्लॉज पे उनकी स्ट्रेंथ पे ये देखना होगा जरूरी। आलिया बात कर रही थी भारत के मैच के, आई थिंक सब जो हम देख रहे थे कि भारतीय जो क्रिटिक्स है एनालिस्ट है वो लोग भी सब बात करें रिजवान और बाबर की जोड़ी के बारे में कि वे चल गई तो ये टीम को आगे ले जाएंगे, जितवा सकते हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है, यू नो फाइनल का तो कुछ ही कह सकते, तो बहुत ज़्यादा इन पर नजर है। मेरे एज अ फैन मैं सोच रही हूँ कि हमें इनसे ओपनिंग कराना चाहिए, मुझे क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि रिजवान या बाबर ओपन करें, रिजवान को हम कहीं नंबर 3 या 4 पर रख लें जस्ट टू बी सेफ, बट व्हाट डू यू से टू दैट? देखिए फातिमा, पाकिस्तान टीम का जो मेन मेरे ख्याल बैटिंग लाइन रिलाय करेगी वो बाबर और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर करेगी। अगर नीचे चले जाएं तो मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, जाहिर है एक 40 साल के हैं, एक 41 साल के हैं, दोनों अपने आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि अगर यहाँ पे करके वो क्रिकेट से अलग होंगे तो लोग उनको याद करेंगे। लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग लाइन का जो नक्शा है वो कोई क्लियर हमें नजर नहीं आ रहा। मैथ्यू हेडन कहाँ पर है? देखिए मैथ्यू हेडन को अभी तक टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, वो कमेंट्री कर रहे हैं दुबई में। अगर वो जाहिर अब फ्राइडे को टीम में चला जाना, थोड़ी सी फातिमा करेक्शन कर दूं कि आज पाकिस्तान का सिनेरियो मैच नहीं है, आज कल मैच होगा और परसों टीम ने जाना है। तो मेरे ख्याल में मैथ्यू हेडन के साथ अगर एक आध कोई वर्चुअल सेशन हो जाते तो अच्छा है। अगर फखर चल गया, अगर शोएब मलिक ने नीचे रन गए, अगर ये हो गया, अगर मगर पे टीम चल रही है हमारी माजरत के साथ। फॉर्मर कैप्टन लेजेंड जावेद मियादाद साहब ने ये बता दिया है कि ये जो रेगुलर परफॉर्मर्स है, यानी इसका मतलब है बाबर की तरफ उन्होंने उंगली उठाई है कि ये जो रेगुलर परफॉर्मर्स हैं ये फेल हो जाएंगे इंडिया के खिलाफ। वो पास की हिस्ट्री को देखते हुए ये बताते हैं कि ये इतना प्रेशर गेम होता है, प्रेशरस मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कि वर्ल्ड T20 में शायद कोई नया हीरो निकले। अब जावेद भाई का मकसद और मतलब मफहूम ये है बात का कि कोई नया हीरो सामने आ सकता है फिर भाई, लेकिन नया हीरो कौन सामने आएगा? हमारे पास तो सारे अनसंग माशाल्लाह पुराने हीरो हैं। सरफराज को टीम में डाला है वो भी पुराना है, आसिफ अली को अगर कोई नया समझता है तो भाई आसिफ अली भी 2017-18 से टीम के साथ घूम ही रहे, कभी कहीं खेलता है कभी कहीं खेलता है, फिर उसे छुपा लेते हैं कपड़ा डालकर फिर उसे वापस ले आते हैं। तो जावेद भाई ने क्या आंखें खोल दी और वो रमीश भाई को कह रहे कि ज्यादा स्ट्रेटेजी ना बनाओ चेयरमैन बनकर, ये इस बात पर फोकस करो कि मैचेस कैसे जीतेगा पाकिस्तान? देखिए यार, सबसे पहले तो मैं जावेद भाई की तरफ आऊंगा, और जावेद भाई ने बिल्कुल सही इशारा किया। आज से एक महीने पहले वसीम अकरम ने भी कहा, आकिब जावेद ने भी कहा, और भी दीगर क्रिकेटर्स ने स्ट्राइक रेट और एवरेज को लेकर और डॉट बॉल्स को लेकर पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर प्लेयर है उनको, खासतौर पर उसमें बाबर, रिजवान,
ये तो लाजमी आते हैं। हफीज भी अपने इस बात का इजहार कर चुके हैं, वो भी कह चुके हैं जो 40-40 बॉले खेलते हैं उनसे पूछो। तो भाई जब अब जब सभी कह रहे हैं फिर, और पिछले एक महीने में जो तमाशा पाकिस्तान के वर्ल्ड टी20 स्क्वाड को लेकर बनाया गया, यानी कि आप ये देखें, आप डोमेस्टिक को इज्जत दे ही नहीं रहे। आप बुला रहे हैं शोएब मलिक को, आप बुला रहे हैं शर्जील को, आप बुला रहे हैं उसको, आप बुला रहे हैं फला तू आ जा। मतलब ये आपने तरीकेकार रखा हुआ है अपने नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, जहां आपने क्रिकेट खेलनी है जाकर, और दुनिया की बेहतरीन टीम को पाकिस्तान ने 2 साल बाद कम्पीट करना है इस फॉर्मेट के अंदर, खासतौर पर T20 में, क्योंकि आपके पास जो तजुर्बा है वो श्रीलंका की सी टीम है। आज मैं पढ़ रहा था कि यार श्रीलंका की सी टीम के खिलाफ जो उस वक्त श्रीलंका 8वें नंबर पे थी, और सरफराज जब वो टीम हारा था तो पंजाब असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश की गई थी मुस्लिम लीग नून के MNA की जानिब से, जहीर उनका नाम था, कि इसको कप्तानी से हटाओ, ये दुनिया की बदतरीन टीम से हार गया। तो भाई उनको अब याद क्यों ना आया जब इंग्लैंड की बदतरीन टीम से आप हार कर आए थे, उस वक्त ख्याल नहीं आया था आपको कि उनके बाबर आजम के खिलाफ भी जाकर असेंबली के अंदर दरखास्त दे थे। मगर ये मेरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा मेरा इस तरफ है जहां पर जावेद मियांदाद ने एक मरतबा फिर इसरार किया कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर फेल हो जाएंगे। और बिल्कुल ठीक है, जब इतने सियासी जोड़तोड़ कर आप टीम बनाएंगे, डोमेस्टिक को आप इज्जत नहीं देंगे, और PCB यूटिलाइज करेगा वही टैलेंट जो उसने खुद पैदा किए हुए। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, पाकिस्तानी जरूर से ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, इनके दिमाग में चर्बी भरी हुई है ये भारत को हराने की सोच, लेकिन ये लोग मुंह की खाने वाले हैं, 24 अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी आपका एक फर्ज बनता है, आपको एक ऐसा कमेंट करना है कि अगर कोई पाकिस्तानी गलती से पढ़ ले आपका कमेंट तो उसके तन बदन में आग लग जाए, वो काम आपको करना है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपके भाई को ब्लॉगिंग की चुल काटी हुई है, आपके भाई का ब्लॉगिंग चैनल भी है, एक इंस्टाग्राम नाम की भी चिड़िया पकड़ रखी है आपके भाई ने, तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपका भाई ऐसे वीडियो बनाता रहता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।